अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों को ये मसले होते हैं कि जी बैक लिंक्स किस तरह बनाएं। तो ये पिछले 2-3 सालों में मैंने कुछ लिस्टें वगैरह जमा की हैं जिनके ज़रिए आप बहुत सारे क्वालिटी के बैक लिंक्स बना सकते हैं। अच्छा, तो मैं एक एक करके आपको शेयर करूँगा। सबसे पहले है, ये हैं बैक लिंक डोप्स। ये तो आप यूज़ कर सकते हैं टूल्स वगैरह में, जिस तरह वो होता है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं स्क्रैप बॉक्स के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें इस्तेमाल किस तरह करना है। तो इस तरह आप ये गूगल पे लिखेंगे तो ये कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, तो आप इन वेबसाइट से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आपको इनके रابطہ करना पड़ेगा इनके फाइनेंशियल एड के ऊपर। वो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी स्कॉलरशिप बैकलिंकिंग वाली, तो वो देख लें, उसमें मैंने सारा प्रोसेस समझाया है। और अगर आपने डायरेक्टरीज ढूंढनी है तो उसके लिए ये डोक है, ये इसके ज़रिए सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन पे आप अपनी ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं और फ्री बैकलिंक लिख सकते हैं टू फॉलो। अच्छा जी, और उसके अलावा ये गेस्ट पोस्टिंग की डॉग्स हैं, अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग ढूंढनी हो तो उनके लिए इस्तेमाल होती हैं सारी। तो उसके अलावा ये सारी इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा डॉग्स हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए, स्कूल शेयरिंग, सॉरी, वेब 2.0 डॉग्स पावर्ड बाय वर्डप्रेस, इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा हैं। डू फॉलो के लिए, नो फॉलो के लिए, गेस्ट पोस्टिंग के लिए, फोरम के लिए। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप इसको शौक से करें। अच्छा, तो ये बैकलिंक प्रोफाइल के लिए है। गेस्ट पोस्टिंग, ये कुछ लोग हैं जो गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करते हैं, ये मैंने पर्सनली इनसे बैकलिंक से बाय किए थे तो मैंने इनकी लिस्ट बना के रख ली थी, तो इनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं बैकलिंक्स के लिए। और इसके अलावा ये कुछ लिस्ट हैं, इन पे इन वेबसाइट से आप फ्री बैकलिंक ले सकते हैं। इसमें सारा प्रोसीजर भी समझाया हुआ है, तो ये कम से कम 100-200 तो ये भी हैं। ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होते हैं, लेकिन फोरम के होते हैं, ये ग्रे हैट होते हैं, तो उनकी थोड़ी टेंशन होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप लेना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, तो ये हैं ऐसी वेबसाइट्स जिनकी प्रोफाइल से आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ले सकते हैं अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ पे अपनी डोमेन ऐड करके। जैसे मिसाल के तौर पे ये गिटहब कर लें, अच्छा जी, तो आप ये देख सकते हैं कि इस लिस्ट में गिटहब भी है, और इस तरह मैंने इधर एक वेबसाइट को बैकलिंक दिया हुआ है यहाँ से। इस तरह करके ये सारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी होते हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर लें। अच्छा, उसके अलावा ये 200 डोफॉलो वेबसाइट की लिंक्स हैं, इन पर भी ज़्यादातर आप प्रोफाइल बैकलिंक ले सकते हैं इन वेबसाइट से। प्रोफाइल बैकलिंक्स जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इनके कोई नेगेटिव इफेक्ट वगैरह नहीं होते आपकी वेबसाइट पे। और एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि प्रोफाइल बैकलिंक सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज पे देने हैं, उसके अलावा किसी और पेज पे नहीं देने। और ये सोशल प्रोफाइल वेबसाइट्स हैं, यानी कि वो ऐसी वेबसाइट जिन पे ये सोशल वेबसाइट हैं जिन पे आप साइन अप करके तो अपनी वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक ले सकते हैं। और ये सारी वेब 2.0 की लिस्ट है, जितने भी वेब 2.0 की डोमेन्स हैं उनकी, इनकी सारे पेज रैंक वगैरह अथॉरिटी सब, इन पे भी आप बना सकते हैं। ये ग्रे हैट है और इसके नुकसान भी हो सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो उसके लिए ये है। अच्छा जी, तो इसके अलावा ये कुछ वेबसाइट हैं, इनसे भी आप बैकलिंक्स वगैरह ले सकते हैं।
ये भी ज़्यादातर प्रोफाइल बैकलिंक्स की हैं, और ये भी कुछ वेबसाइट बताई गई हैं जिनसे आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ये कुछ वेबसाइट्स हैं, हाँ इनको तो आप रहने दें, ये कमेंट बैकलिंक्स के लिए। और ये दूसरे वो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, अच्छा जी, और ये 300 PR, ये भी सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप बैकलिंक्स वगैरह ले सकते हैं, इनका रैंक भी साथ मेंशन है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 6 या 5 रैंक वाली तक, काफ़ी हद तक बेहतर लगते हैं, नीचे वाले तो शायद थोड़ी बहुत लो क्वालिटी भी लग रहे हैं, चलो वो आपकी चॉइस है। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, ये यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लिंक बिल्डिंग के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने सारा प्रोसीजर अपनी स्कॉलरशिप लिंक बिल्डिंग की वीडियो में डिफाइन कर दिया था, तो वो देख सकते हैं आप। उसके अलावा ये ब्लॉग डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट सबमिट कर सकते हैं, और ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी इमेजेस वगैरह शेयर करके डूफोलो बैकलिंक ले सकते हैं। अच्छा, तो उसके अलावा ये गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी हैं, तो ये साथ में नीच भी लिखी हुई है कि अगर आप ये नीच है तो आप कर सकते हैं, ये कम से कम 2-3 हज़ार ये हैं। अगर आप सही करना चाहें लिंक बिल्डिंग तो आप आराम के साथ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी डोमेन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इन्फोग्राफिक्स हैं, अगर आपको इन्फोग्राफिक्स का नहीं पता तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। इस चीज़ को इन्फोग्राफिक कहते हैं, ये काफ़ी लंबी सारी इमेज होती है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, तो वो आप इन वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोकल लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, ये अगर आप लोकल एसईओ कर रहे हैं तो उनके लिए परफेक्ट हैं, आप यहाँ पे अपने बिजनेस को सबमिट करें और ये इनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके उनका रैंक करने के लिए, ये साइटेशंस होती हैं। और ये कुछ मेरी पर्सनल वेबसाइट हैं जो मैंने रिसर्च करके इकट्ठी की हैं, तो आप इन पे भी बैकलिंक्स बना सकते हैं। और ये वेबसाइट है, अगर आप प्रेस रिलीज से बैकलिंक लेना चाहते हैं तो आप इनसे ले सकते हैं। और ये डायरेक्टरीज, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट सबमिट कर सकते हैं बैकलिंक्स के लिए। और ये टेम्पलेट, अगर आपने कोई फ्री टेम्पलेट वगैरह बनाई है तो वो आप वेबसाइट पे सबमिट करके बैकलिंक ले सकते हैं। टेम्पलेट से मुराद ब्लॉगर टेम्पलेट्स हो गई, या कोई CSS में टेम्पलेट बनाई है आपने, उम्मीद है टेम्पलेट का तो आपको पता होगा। और ये कुछ टूल हैं जो हेल्प करते हैं बैकलिंक में। और ये सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं, और ये साथ में लिखा हुआ है कौन सी फ्री है कौन सी पेड है। और यूज़र रिव्यू साइट्स, ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी चीज़ को रिव्यू दे के बैकलिंक्स ले सकते हो। वीडियो सबमिशन साइट्स, ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी वीडियो अपलोड करके तो बैकलिंक्स ले सकते हैं। और ये वेब डायरेक्टरीज हैं, अगर आपने कोई ऐप वगैरह बनाई है तो वो आप इन पे सबमिट करके बैकलिंक्स ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लिस्ट बहुत पसंद आएगी, ये मैंने 2-3 साल रिसर्च करके सारी इकट्ठी की हैं, और अगर आपने बैकलिंक प्रोफाइल अच्छी बनानी है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीन चीज़ है ये। अब आखिरी सवाल, इनका लिंक्स कहाँ पे, अगर आपके पास यूनिवर्सल एसईओ टूल है, और मैं एक बात और बता दूँ, यूनिवर्सल एसईओ टूल बिल्कुल फ्री है, ये मैंने डेवलप किया था SEOs की हेल्प करने के लिए, ये मेरा नाम लिखा हुआ और मेरे भाई का, तो ये जो साथ में पार्टनर्स थे उनका,
इसके लिए हम कोई फी चार्ज नहीं करते, ये 100% फ्री है। इसमें ये सारे लिंक पहले दिए हुए हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, आप YouTube पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और कमाल कमाल की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आपने इनमें से कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा पहले या आपको कोई चीज़ का नहीं पता तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।